सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो वैसे आज मैं करने वाला हूँ 5 मिनट में फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत कम टाइम में आप अच्छे खासा फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का फोटो मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि 5 मिनट में और बहुत अच्छा एडिटिंग होने वाला है। सो वैसे आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए, तुम्हारे वीडियो बनाना वीडियो को मिस मत करना। अगर नहीं हो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और 37 घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो वैसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वैसे चलते हैं गैलरी में आपको, और जो फोटो मैं एडिट करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। तो ये लिए बैकग्राउंड को मैं आपको लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो पिक्सआर्ट में इसको शेयर कर लेते हैं यहाँ से। पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद तो वैसे देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है पिक्सआर्ट में ओपन हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अपने फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं ऐड फोटो में। तो सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद जो जो भी अपने बैकग्राउंड का साइज़ है आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पे 1080 है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको डन कर देते हैं, ठीक है? और चलते अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो फ़ोटो को ऐड करने के लिए ऐड फोटो में जाएंगे, उसके बाद आते हैं अपने फाइल में और कुछ इस तरीके का फ़ोटो आपको क्लिक करवा लेंगे। कुछ भी आप फ़ोन से करवाओ, कुछ भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सॉरी फिर से दिखा देता हूँ, ये ली फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो यहाँ पे आ चुका है। कुछ भी मतलब कुछ इस तरीके का फ़ोटो अपना करवा लो, ठीक है? फ़ोन से भी एक क्लिक करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड को कट करना है तो आपको कटआउट पे जाना है, और कटआउट पे जाने के बाद कुछ बॉडी है ऐसे साइड साइड ऐसे घुमा देंगे, ठीक है? ऐसे करके, तो ऐसे करके घुमा दोगे तो आपकी जो फ़ोटो बहुत आसानी से कट हो जाएगी, ठीक है? तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे कट होती है, ठीक है? तो देख लो, जहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है वहीं से आपको लास्ट में मिला भी देना है, ठीक है? उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे एरो बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कट जाएगा, देखिएगा फ़ोटो। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो है अच्छी तरीके से कट हो चुका है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से कर लेंगे डन। सो ऐसे डन करने के बाद क्या करना है, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है आ चुका है। तो थोड़ा यहाँ पे साइज फुल कर लेंगे, ठीक है? तो बहुत कम टाइम पे कुछ इस तरीके का फ़ोटो आप एडिट कर सकते हो गाइस, ठीक है? तो कुछ ऐसे करना है। तो उसके बाद क्या, इरेजर पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस को कम कर लेंगे, ओपेसिटी को कम कर लेंगे, हार्डनेस को भी कम कर लेंगे और सब साइज को बड़ा कर लेंगे और ऐसे हल्का हल्का मार लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से कर लेंगे। सो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा तरीका है एडिट करने के लिए, ऐसे यहाँ से कम कर लोगे, ठीक है? और ऐसे भी घुमा कर देख सकते हैं क्या ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा है, मैं वही वाला रखूँगा। सो गाइस मैं यहाँ पे इसको डन कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से डन कर लेनी है, और डन करने के बाद क्या करना है, ठीक है? देख सकते हो कि कितना बेहतरीन हो गया, एकदम मस्त कली सेट हो गया। अब क्या करेंगे, आपको जाना है ऐड फोटो में। तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको कुछ यहाँ पे दूंगा PNG है, उसको आपको ऐड करनी है। आपको ये दोनों PNG ऐड करनी है, एक स्मोक है और एक जो टीका लगता है वो, ठीक है? दोनों का मैं लिंक दे दूंगा यार। ओहो क्या क्या खोल रहा है यार। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे दोनों ऐड हो चुके हैं। तो अभी ये जो टीका है इसको मैं सेट करूँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में और यहाँ से कर लेनी है मल्टीप्ले पे क्लिक, ठीक है? और क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है यहाँ पे एडजस्ट में और इसको थोड़ा और यहाँ बढ़ा देनी है ब्राइटनेस को, ठीक है? यहाँ से कर लेंगे डन और यहाँ पे लगा देंगे। तो बहुत होता है ना कि कम टाइम में अच्छा खासा आप एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं टीका को छोटा कर लेता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, यहाँ टीका भी सेट हो गया है। तो आज का दिन फटाफट जाके, बहुत कम टाइम में जाके फटाफट बना के एडिट करके आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्मोक में सेट कर देता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से हो गया। आप कुछ यहाँ पे इफेक्ट मार देंगे, तो चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट में और इफेक्ट मारने के बाद। सो गाइस यहाँ पे इफेक्ट में आने के बाद क्या करना है, आप देख सकते हो कोई भी यहाँ से इफेक्ट सेट कर सकते हो जो आपको फोटो में अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट मिल सकता है पिक्चर में ही, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हमको इफेक्ट जो है ये सही लग रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ये इफेक्ट हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम कम कर लेंगे।
बाकी का गाइस यहाँ से कर लेंगे डन। सो गाइस अब देख सकते हो कि कम टाइम में आपको मतलब 4-5 मिनट टाइम में इतनी अच्छी फोटो पर एडिट कर सकते हो। देखो फोटो आराम से एडिट कर दी, कितना बिल्कुल मस्त लग रहा है। सो गाइस अब जाते हो कुछ इस तरीके का एडिट करने के लिए, तो फटाफट बना कर एडिट करो, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना गाइस, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको जाना है ड्रा टूल में। अभी सभी फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे आना, ट्रिन डॉट पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो कर लीजिए सेव। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको को बहुत अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, लाइक दबाए करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।